ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही सुंदर सा बेबी फ्रॉक बनाने के लिए हमें चाहिए ये क्रोचेट, ये ऊन का गोला चाहिए। आप किसी भी तरह का किसी भी कलर का ऊन अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए शुरुआत हम करेंगे, पहले 100 चेन बनाएंगे। तो ये हुक लगाएंगे, ये देखिए ये क्रोचेट है मेरा, तो हमने हुक लगा लिया है और हम 100 चेन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। मैंने जो नाप बनाया है पेपी फ्रॉक का, वो एक से डेढ़ साल तक की गुड़िया को अच्छे से फिट हो जाएगा। अगर आपको उससे छोटा या बड़ा बनाना है तो ये शुरुआती चेन में आप अपने हिसाब से नंबर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 10 चेन मैंने बना ली और मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो ये 15 चेन मैंने बनाई है, इसी तरह हम पूरी 100 चेन बना लेंगे। बाद में मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये 100 चेन बन चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप भी बना ले। और बाद में 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम, 1 2 3, फिर हम चौथी वाली, मतलब जो हमने 100 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली होगी, और ये 3 चेन के बाद चौथी वाली होगी, उसमें हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, एक, फिर ये दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे दूसरा, और फिर ये तीसरी वाली चेन में हम बनाएंगे तीसरा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी की पूरी 100 चेन की जो लाइन हमने बनाई है, उस सभी चेन में हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। देखिए, फिर से आपको ये एक दो बार बता देती हूँ, ये दो फंदे में से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे और फिर से ये दो में से निकालेंगे, ठीक है। ये धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, धागा लिया, ये 3 धागे हो गए। तो हम फिर से धागा लेंगे, दो में से निकालेंगे, फिर से लेंगे, दो में से निकालेंगे, ठीक है। एक और बार बताती हूँ, धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, फिर से धागा लिया। अब हमारे क्रोचेट में 3 धागे हैं, तो हम दो में से निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे। इसको हम सिंगल डबल क्रोचेट कहते हैं। तो इस तरह से हमें पहले 100 चेन लगानी है, उसके बाद की लाइन हमें इस तरह से बनानी है कि हर चेन में एक सिंगल डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है, ये मैं ये पूरा करके फिर आपको बताती हूँ। आप भी पूरा जितना मैंने बताया है वो कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप मेरी ये वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देखें। मैं बहुत छोटी छोटी सी टिप्स आपको दूंगी, जिसे फॉलो करने से आपका जो ये प्रोजेक्ट है बेबी फ्रॉक का, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है और मैंने बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिना कोई गलती किए वैसे के वैसा ही बेबी फ्रॉक बनाएं जैसा मैंने बनाया है, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरी देखिए। मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी क्रोचेट से रिलेटेड टिप्स भी दूंगी, जो आपको दूसरी जगह पर बहुत काम आने वाली है। तो अब हम ये पूरी लाइन पूरी करके
फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये हमारे 100 सिंगल क्रोचेट बनकर तैयार हो गए हैं एक लाइन। अब हम यहाँ से दूसरी लाइन शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये 3 चेन बन गई। फिर हम पहले वाले नीचे के सिंगल क्रोचेट में एक सिंगल डबल क्रोचेट, दूसरे में एक सिंगल डबल क्रोचेट लेकिन तीसरे में एक इंक्रीज करके एक तीसरे में एक बना और ये उसी में तीसरा बनाएंगे, यानी कि तीसरे वाले में हम एक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नीचे 3 में ऊपर 4 बन गए। ठीक है, अभी उसके बाद वाले में हम फिर से एक में एक सिंगल डबल क्रोचेट, दूसरे में एक सिंगल डबल क्रोचेट और तीसरे में 2 सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे, ये एक और ये 2। इस तरह से हम पूरी लाइन ख़त्म करेंगे। ओके, तो ये हमने दूसरी लाइन बना ली है जिस तरह से मैंने बताया था। 2 एक एक करने हैं, तीसरे में एक में 2 करना है सिंगल डबल क्रोचेट। ये देखिए गोला आने लग गई है गले की। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, इसके लिए हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। एक पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे अच्छा छोड़ के 5वें वाले क्रोचेट बनाए। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से उसी वाले में 2 सिंगल डबल क्रोचेट। ये देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 ये 3 चेन बनाई। फिर से हम 1 2 3 4 को छोड़ के 5वें वाले में इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, अभी फिर से यही दोहराएंगे, 1 2 और 3 सॉरी, ये देखिए 2 और ये 3 चेन बनी। अब हम ये 1 2 3 4 डबल क्रोचेट छोड़ के ये 5वें वाले में हम सिंगल डबल क्रोचेट एक बना, फिर उसी में हम ये 2, ठीक है, फिर 2 चेन, फिर से उसी में 2 सिंगल डबल क्रोचेट, 1 ये 2, ठीक है, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और फिर इसे 4 छोड़ के 5वें में जॉइंट कर देंगे। तो ये इस तरह से पूरी लाइन बना के फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट लाइन। ओके,
सिंगल डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए ये धागा लिया, अब इसके बाजू वाले में इसे निकालेंगे पीछे से। दो चेन बनाएंगे जैसे नीचे बनाई थी, फिर से ये तीसरे वाले क्रोचेट में उसके पीछे से ये देखिए ये और ये, यहाँ से धागा निकालेंगे और जैसे हम बनाते हैं वैसे ही सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये आखिरी वाला ये देखिए पूरा बन गया है। फिर से हम एक दो और तीन चेन बनाएंगे और वही जॉइंट में करना है। तीन चेन बनाकर ये बाजू वाले में हमें फिर से यही प्रोसेस करनी है। ये देखिए पीछे से इसी तरह से चेन बनाएंगे और फिर से इसमें दो सिंगल डबल क्रोशेट देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। बाद में मैं बताती हूँ आपको ये दो लाइन होने के बाद क्या करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमने मैंने बताया था उस तरह से ये पहली लाइन, फिर पीछे से ये दूसरी लाइन बनाई, फिर से पहली लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई, फिर ये पहली और फिर ये दूसरी, और उसके बाद में फिर इस तरह से पीछे से लाइन बनाई। तो इस तरह से हमें ये एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात लाइनें बनानी है और ये हमारा गले का पोर्शन पूरा होता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ये देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। ये पीछे से बटन पट्टी लगाएंगे और ये यहाँ से मैंने इतना पोर्शन छोड़ दिया है बाजुओं के लिए।
और यहाँ पर स्टिच मारकर या धागा लगा दीजिए या सेफ्टी पिन कुछ भी लगा दीजिए। उसी तरह से हम इस ओर से भी उतना ही पोर्शन छोड़ देते हैं, ये देखिए, और वहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है। ठीक है, अब हम ये जो बीच वाला पोर्शन है हमारा, इसे यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, फिर से ये क्रोचेट जहाँ पे हमने पूरा किया था धागा अभी भी वहीं पे जॉइंट है, तो पहले हमें ये सामने के पोर्शन में से इस तरह से सिंगल क्रोचेट लगाना है और ये जॉइंट करना है। ठीक है, फिर से हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे और इसे जॉइंट कर देंगे, ये देखिए। यहाँ पर सामने की ओर जो हमने ये दो सिंगल डबल क्रोचेट लिए है, हम उसके ऊपर ये सिंगल क्रोचेट लगा रहे हैं। ये पहले में लगाया और ये दूसरे में लगाया, तो हमारा ये पूरा जॉइंट हो गया। अभी जो बीच में जो दो चेन लगाए हैं उसमें हम एक दो और ये तीन चेन लगाएंगे और उसी में हम एक सिंगल डबल क्रोचेट, क्योंकि हमने यहाँ तीन चेन बनाई है, तो उसको हम जो तीन चेन है उसको हम पहला डबल क्रोचेट मानकर चलते हैं। तो ये एक और ये दो, फिर हम दो चेन लगाएंगे और फिर उसी में दूसरे दो सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारा ये शुरुआती पोर्शन था, इसमें हमें तीन चेन बनानी थी, बाद में शुरू करना था, इसलिए हमने यहाँ पे तीन चेन और सिर्फ एक डबल क्रोचेट बनाया है। अभी हम ये जो बीच में से तीन चेन बनाई है हमने, वहाँ पे बनाएंगे दो डबल क्रोचेट बनाएंगे और ये दो चेन बनाएंगे, फिर उसी में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से फिर ये दो चेन वाले में दो डबल क्रोचेट, सिंगल डबल क्रोचेट, सॉरी, दो सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर दो चेन लगाएंगे और फिर दो डबल सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक, फिर इसमें बनाएंगे और फिर इसमें बनाएंगे, ताकि ये हमारा पूरा राउंड बन जाएगा। तो ये पूरी लाइन हम यहाँ तक जहाँ से हमने शुरुआत की है, ये देखिए, हमने शुरू किया यहाँ से शुरू किया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से बनाएंगे। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, ये हमने जो मैंने बताया, ये पूरा पोर्शन, मतलब एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अभी हम दूसरी लाइन में एंट्री कैसे लेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ ये लाइन पूरी होती है। अभी हम ये जो शुरुआती लाइन का ये जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें हम सिंगल क्रोचेट इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए, ये पहला सिंगल क्रोचेट पहले में और ये दूसरे में, ये दूसरा सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब हम ये जो बीच की दो चेन है उसमें सिंगल क्रोचेट ले लेंगे और फिर से उसी तरह से तीन चेन बनाएंगे। ये देखिए, तीन चेन और एक सिंगल डबल क्रोचेट बना। ठीक है, जैसे हमने पहली लाइन में किया था वैसे ही करना है। अब ये दो चेन बनाएंगे, फिर इसी में
इसी में हम दूसरे दो सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे, ये एक और ये दो। अब हम दो चेन बनाएंगे और ये दूसरे वाले दो चेन में दो सिंगल डबल क्रोचेट ऐसे, ये देखिए, और फिर दो चेन, फिर से ये दो सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से अभी हम पूरी लाइन फिनिश करेंगे। ये एक लाइन नहीं बनानी है, इस तरह से हमें एक के बाद एक पांच लाइन बनानी है। ये देखिए, दो सिंगल डबल क्रोचेट, बीच में दो चेन, फिर दो सिंगल डबल क्रोचेट, फिर दो चेन, और इस वाले में ये छोड़ देना है जहाँ पर कोई चेन नहीं है। ये जो बाजू में जो दो चेन वाला पोर्शन है उसमें हम फिर से यही दोहराएंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे और फिर से इस दो चेन के अंदर दो सिंगल डबल क्रोचेट, दो चेन और दो सिंगल डबल क्रोचेट। तो इस तरह से हम पूरी पांच लाइनें बनाएंगे। बाद में मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने पांच लाइनें बना ली है, दो डबल क्रोचेट, दो चेन, दो डबल क्रोचेट, दो चेन, इस तरह से मैंने ये पांच लाइनें बना ली है। अभी हम नेक्स्ट लाइन, ये दो चेन बनाएंगे। यहाँ जो लाइन पूरी हो गई है वहाँ से अभी यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोचेट से जॉइंट करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर ये लाइन में, ये देखिए, एक दो और तीन, तीन चेन बनी। फिर इसमें हम एक, सॉरी, ये एक और ये दो, तो ये हो गए, ये तीन चेन की लाइन, फिर दो डबल क्रोचेट, दो सिंगल डबल क्रोचेट, मतलब एक दो और तीन, ठीक है। फिर हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो चेन, और फिर इसी में हम ये तीन डबल सिंगल डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, ये एक बना, सॉरी, ये देखिए, एक दो चेन बनी और फिर हम इसी में ये एक, ये दो और ये तीन सिंगल डबल क्रोचेट, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, दो डबल क्रोचेट, दो चेन और दो डबल क्रोचेट। अब हमें क्या करना है, तीन डबल क्रोचेट, दो चेन और तीन डबल क्रोचेट, फिर तीन चेन बनाकर इसके दूसरे में, यानी कि यहाँ पे ये रिपीट करना है, तीन डबल क्रोचेट, ये तीन सिंगल डबल क्रोचेट, फिर ये दो चेन और फिर तीन, सिंगल डबल क्रोचेट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं आपको समझाती हूँ, ये पांच लाइन हमने दो डबल क्रोचेट, दो चेन, दो डबल क्रोचेट और दो चेन की बनाई। अब हमें पांच लाइन इस तरह से बनानी है।
तीन डबल क्रोचेट, दो चेन, तीन डबल क्रोचेट और बीच में तीन चेन, फिर से वही रिपीट करना है। तो ये पांच लाइन बनने के बाद फिर से दूसरी पांच लाइन हमें बनानी है, चार डबल क्रोचेट, दो चेन, चार डबल क्रोचेट और बीच में चार चेन, फिर से चार डबल क्रोचेट, दो चेन, चार डबल क्रोचेट और बीच में चार चेन। तो ये पांच लाइन तीन वाली जब हम पूरी कर लेंगे फिर हम चार वाली बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा करके बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर और लीव्स बनाकर यहाँ पर डेकोरेट किया है, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं। तो आपको ये फ्रॉक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।